ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का कोई निवारण नहीं सूझ रहा हो, तो आप अपनी परेशानी किसी को भी बता नहीं पा रहे हों, तब यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रख कर ही करें। पशुपति व्रत के नियम एवं विधि इस प्रकार है। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष, प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय जाएं, अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप सायं के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं, तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए घी के लेकर जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रखकर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौकट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद का आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को न दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार है। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर शिवालय में प्रथम सोमवार को गए हैं, उसी मंदिर में 5वें सोमवार जाएं। सायं के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं, तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करें। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार हो, उसको जब आप सायं का प्रदोष काल के समय मंदिर जाएं, तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ 1 नारियल, जिस पर 5 या 7 बार मौली लपेटी हुई हो, उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 पुष्पों से
भोलेनाथ का श्रृंगार करें, अपने श्रद्धा अनुसार दान करें। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ व्रत कथा। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके हैं, जिनका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले इन दिशा निर्देशों को समझना आवश्यक है। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने का महत्व को याद रखना चाहिए। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में से एक, भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानंद भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जप करने की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है, तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र और जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद जैसी चीजें लाने की सलाह दी जाती है। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपतिनाथ जी की कथा सुनने से एक भक्त को उसके पापों से मुक्ति मिल सकती है। वह अपार सुख प्रदान कर सकता है और उसे शिव का प्रिय बना सकता है। की वदंती है कि एक बार जब शिव एक चिंकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे, तब राजसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि देवताओं को पास आते देख शिव ने नंदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुखलिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और उपवास करने की परंपरा शुरू हो गई। पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल फूल और मिठाई, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत, दूध दही, सहज चीनी और घी का मिश्रण, गंगा जल या पवित्र जल, नारियल और पान अर्पित करने के लिए आरती के लिए बेल, रुद्राक्ष माला या पवित्र मोतियों से बनी माला, पशुपति यंत्र या तस्वीर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा सामग्री क्षेत्र और रीति रिवाजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। पशुपति व्रत में उपयोग की जाने वाली उपयुक्त वस्तुओं के लिए एक पुजारी या धार्मिक प्राधिकरण से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।